नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट चुका टेक का एक फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पर इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप अपने एयरटेल सिम के अंदर आपका डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद आप किस तरीके से अपने एयरटेल सिम के अंदर अनलिमिटेड डेटा को इस्तेमाल कर पाएंगे, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को पर बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा पर कमेंट आ रहा था जब यहाँ पर मैंने VI के ऊपर यहाँ पर वीडियो बनाया था, VI अनलिमिटेड डेटा ट्रिक के ऊपर, तो आप लोगों का बहुत ही यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि भाई अभी एयरटेल सिम के अंदर भी यहाँ पर बनाइए, एयरटेल सिम के अंदर किस तरीके से हम लोग अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एयरटेल सिम के अंदर किस तरीके से आप अपने डेटा लिमिट खत्म होने के बाद आप अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एयरटेल सिम के अंदर, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को एक यहाँ पर मैं ट्रिक यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, आप लोगों को मैं यहाँ पर लाइव करके भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से क्या कुछ चीज़ यहाँ पर करना है। अगर आप हर एक स्टेप को फॉलो करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं और हर एक स्टेप का फॉलो करते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर 100% गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आपका सिम के अंदर भी अनलिमिटेड डेटा को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद भी आप अपने एयरटेल सिम के अंदर यहाँ पर आप अनलिमिटेड डेटा को इस्तेमाल कर पाएंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए ब्रेड में इसके आज के इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको आपका एयरटेल सिम के अंदर कोई भी आपको एक अनलिमिटेड वाले प्लान का आपको रिचार्ज करा लेना है, चाहे आपका 2 GB वाले प्लान को रिचार्ज कराए या फिर 3 GB 1 GB, आप जो भी चाहे आप अपने सिम के अंदर आपको कोई भी एक यहाँ पर अनलिमिटेड प्लान का आपको रिचार्ज करा लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस अभी मैं आप लोग को मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर लाइव आपको मैं यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ, तो आपको आगे का प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आपको अभी जो मैं आपको प्रोसेस जो बताऊँगा, इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप के आपको देखना है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपका, अगर आप कोई भी यहाँ पर मिस्टेक करेंगे तो आपका ट्रिक काम नहीं करेगा, इसलिए आपको सीरियसली बिना स्किप किए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको अभी देखना है और हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना है, तभी आपका ट्रिक काम करेगा, अदरवाइज आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए देखते रहिए, अभी मैं आप लोगों को लाइव पर करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपका ट्रिक काम नहीं करेगा, फिर आप कमेंट करके बताएंगे कि भाई ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तो तब आपका मैं यहाँ पर हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे और हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना है। अगर आप हर एक स्टेप फॉलो करते हैं तब भी आपका ट्रिक काम नहीं करता है, तो आप कमेंट करके बताना, तो आपका मैं हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप के आप देखते रहे और हर एक स्टेप को आप यहाँ पर फॉलो करते रहे, तभी आपका ट्रिक काम करेगा। ये ट्रिक 100% वर्किंग ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल का जो स्क्रीन जो यहाँ पर मैंने साइड में यहाँ पर शेयर कर दिया, तो अभी आप यहाँ पर लाइव सब कुछ अभी देख सकते हैं मैं जो भी यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग ऑप्शन में आपको चले जाना है। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपका पास सिम कार्ड ऑप्शन में आ जाना है, उसके बाद आपका एयरटेल सिम को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, और उसके अंदर आपको यहाँ पर एक APN ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर APN ऑप्शन कुछ अलग जगह के अंदर हो, तो आपको APN ऑप्शन APN ऑप्शन आपको आ जाना, ठीक है। अलग अगर आपका कुछ अलग मोबाइल हो तो आप ढूंढ लेना आपका मोबाइल फोन के अंदर कहाँ पर APN ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपको ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू यहाँ पर क्रिएट APN, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना हो सकता है कि आपका मोबाइल फोन अलग है, आपका मोबाइल फोन के अंदर कुछ यहाँ पर ऊपर साइड या फिर साइड में के अंदर आपका यहाँ पर न्यू APN सेटिंग ऑप्शन देखने को मिले, तो आपको वहाँ पर क्लिक करके आपको अभी एक न्यू यहाँ पर APN आपको सेटिंग करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको सबसे पहले अपना नेम ऑप्शन देखने को मिल रहा है। नेम के अंदर आपको कैपिटल में आपको यहाँ पर लिखना है एयरटेल, उसका थोड़ा सा आपको स्पेस देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है लाइव, ठीक है। आपको कैपिटल में यहाँ पर लिखना है नेम के अंदर एयरटेल, थोड़ा सा स्पेस देकर लाइव, आपको सब कुछ यहाँ पर कैपिटल में लिखना है। मैं जैसे लिख रहा हूँ आपको हर एक स्टेप का आपको ऐसे ही लिखना है, तभी आपका ट्रिक काम करेगा, ठीक है। तो आप कोई भी अपना स्टेप को मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके बाद आपके यहाँ पर APN के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, APN के अंदर आपके यहाँ पर लिखना है पोर्टल MMS, ये आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। इसके बाद आपके यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के अंदर आपके यहाँ पर लिखना है 10.10.1.100, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में मैंने लिखा है पर 10.10.1.100, और उसके बाद आपके यहाँ पर पोर्ट के अंदर आपके यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, पोर्ट के अंदर आपके यहाँ पर लिखना है 9401, ठीक है। आपको हर एक स्टेप का आपको अच्छे से लिखना है 9401। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है, सब में आपको कुछ भी आप सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा MCC, इसके अंदर आपके यहाँ पर बहुत सारे सिम कार्ड के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्टेड होता है। यहाँ पर मेरे यहाँ पर
आपका सिलेक्टेड यहाँ पर 404, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर 404 सिलेक्ट है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है 405, ठीक है। आपका आपका कोई भी यहाँ पर और सिलेक्टेड होगा तो आपको यहाँ पर चेंज करके आपको लिखना है 405। जैसे मेरे केस में यहाँ पर 404 था तो मैंने चेंज करके 405 कर दिया, तो आपको भी यहाँ पर 405 आपको कर देना है। और उसका ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर MNC, तो यहाँ पर मेरा देखिए यहाँ पर 98 सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको ये सबको हटा देना और आपके यहाँ पर लिखना है 67, ठीक है। आपके यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर MCC के अंदर आपको लिखना है 405 और MNC के अंदर आपको लिखना है 67, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर APN टाइप, तो यहाँ पर आपको लिखना है डिफॉल्ट या आपको स्मॉल लेटर में आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर APN टाइप के अंदर आपके यहाँ पर लिखना है डिफॉल्ट और आपको स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। और उसके बाद आपका नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा APN प्रोटोकॉल, यहाँ पर आपको IPv4 आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर भी और एक यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा APN रोमिंग प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर भी आपको IPv4 आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद बैरियर को भी आपका कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, और यहाँ पर उसके नीचे भी जो भी ऑप्शन है उसको भी आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इतना आपको सेव सबका आपको सेव करना है, ठीक है। तो देख लीजिए मैं आपको और एक बार पास दिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। नेम के अंदर आपको कैपिटल में लिखना है एयरटेल स्पेस देखे लाइव, APN के अंदर आपको लिखना है यहाँ पर पोर्टल MMS सबको यहाँ पर स्मॉल लेटर में आपको लिखना है, प्रॉक्सी के अंदर 10.10.1.100 और पोर्टल के अंदर 9401। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है MCC के अंदर 405, MNC के अंदर 67, और उसके बाद यहाँ पर पोर्टल के अंदर आपको लिखना है IPv4, IPv4 का आपको दोनों में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। APN टाइम में आपको यहाँ पर डिफॉल्ट आपको लिखना है स्मॉल लेटर में, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो सेव ऑप्शन आपको सेव ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पर APN जो यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतने से आपका काम करना है, ठीक है। और अभी बहुत सारे लोगों का यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर APN सेव ना हो रहा होगा, तो अगर आपका APN सेव करने के बाद आपका हो जाता तो आपका कुछ करने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सेव नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको सेम जैसे आपको लिखना है नेम के अंदर एयरटेल लाइव आपको लिखना है, APN सब कुछ आपको सेम ही लिखना है। सिंपली आपको यहाँ पर MCC और MNC के अंदर आपको आ जाना है और आपका सिम कार्ड के अंदर जो भी यहाँ पर बाई डिफॉल्ट है उसको आपको रहने देना है। और उसका सब कुछ आपको सेम जैसे APN के अंदर डिफॉल्ट है IPv4 आपको सिलेक्ट करके APN के ऊपर सेव कर देना, ठीक है। तो मेरे केस के अंदर यहाँ पर सेव हो रहा है, तो अगर आपका सिम कार्ड के अंदर अभी सेव नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर MCC और MNC ये दो को जैसे वैसे रख के दूसरा सब कुछ आपको चेंज कर देना, तो आपका एक काम हो जाएगा। और अभी आप अपने एयरटेल सिम के अंदर अनलिमिटेड डेटा का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। आपका डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद, मान लो आपने यहाँ पर 2 GB का रिचार्ज कराया पर डे, तो आपका डेली 2 GB ख़त्म होने के बाद आपको अपने सिम के अंदर अभी आप अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया आपको हर एक स्टेप का आपको वैसे ही फॉलो करना है, जैसे कैपिटल में लिखने वाला कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखने वाला स्मॉल में लिखना है, तो आपका यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर काम कर जाएगा, 100% वर्किंग ट्रिक है। तो आप इस तरीके से अपने एयरटेल सिम के अंदर यहाँ पर अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी आप वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइव यहाँ पर प्रूफ भी मांगते हैं, तो आप साइड में पर मैं आपको लोगों को यहाँ पर लाइव प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारा इंटरनेट जो है आराम से चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, अनलिमिटेड डेटा यहाँ पर चल रहा है। तो आप इस तरीके से अपने एयरटेल सिम के अंदर अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप हमारे वीडियो के कमेंट से कमेंट करके बताना, मैं आपका हेल्प 100% करूंगा। और चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दे गए नोटिफिकेशन को प्रेस करके जरूर रखना इस तरीके का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और टेक और टेलीकॉम का लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए।